गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बच्चों कैसे हो? सबसे पहले मैं आपको थर्ड क्लास में अभ्यास 3.3 पेज नंबर 15, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो आप लोग ये ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला है, पांच अंकों की छोटी से छोटी और चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का योग बताइए। देखो बच्चों, दोबारा समझ लो, पांच अंकों की छोटी से छोटी और चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का योग बताइए। इनका हमें योग करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि पांच अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है? 10,000। कौन सी होती है बच्चों? 10,000। और चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9,999। कौन सी होती है? 9,999। तो देखो, इसमें हमें इन दोनों का योग ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। दिखाई दे रही संख्या, यह है 10,000, 0,0,0,0,1, 10,000, और ये 9,999, ये चार अंकों की बड़ी संख्या है, इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, पहले 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, फिर 9 में 0 जोड़ो तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर 9 में 0 जोड़ो बच्चों, 9 आएगा, फिर 10, ये 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ पे 1 जोड़ो, ये हो गए 19,999, ठीक है बच्चों। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या और चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो ये हो गए हमारे सामने। दोबारा देख लो, 0 में 9 जोड़ो 9 आएगा, फिर 0 में 9 जोड़ो 9 आएगा, फिर 0 में 9 जोड़ो 9 आएगा, यहाँ पे 10 और 9 को आप जोड़ सकते हैं तो 19 आ जाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक व्यापार में अमन ने 15,233 रुपए, रोहित ने 47,575 रुपए तथा दीपक ने 68,347 रुपए लगाए। दोबारा समझ लो, एक व्यापार में अमन ने 15,233 रुपए, रोहित ने 47,575 रुपए तथा दीपक ने 68,347 रुपए लगाए। बताइए व्यापार में कुल कितने रुपए लगे। अब देखो, इन्होंने जो जो रुपए लगाए हैं उनको हमें पहले यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले है 15,233 रुपए जो अमन ने लगाए हैं, फिर सेकंड है 47,575 रुपए जो रोहित ने लगाए हैं, फिर है 68,347 रुपए ये दीपक ने लगाए हैं। अब इनको हमें योग ज्ञात करना है, यानी इनका जोड़ ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो आप इनको जोड़ लो, सिंपल जोड़ है, आपको बता रखे हैं, उसी तरह जोड़ना है। 3 और 5 8, 8 में 7 जोड़ो 15, तो यहाँ आ जाएंगे 15 के 5 हासिल का 1, फिर 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल का 1, फिर आप इसको जोड़ो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का 1 आ जाएगा। अब देखो, 7 और 5 12, फिर 12 में 8 जोड़ो 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल का 2 आ जाएंगे। अब 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 में 2 जोड़ लो 12 13, तो ये आ जाएंगे 13, यानी कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000। बच्चों देखो, मैंने आपको दो सवाल समझाए थे, फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद ये थर्ड वाला सवाल देखिए, इसी प्रश्नावली में अभ्यास 3.3 में थर्ड क्वेश्चन है, अनिल ने विजय से 18,000 रुपए उधार लिए। दोबारा देखो, अनिल ने विजय से 18,000 रुपए उधार लिए, एक साल बाद उसने इन रुपयों को 5,450 रुपए ब्याज सहित चुकाया, मतलब ये 5,450 ब्याज है इसका, और ये रुपए उसने उधार लिए। तो देखो, जब हम किसी से रुपए उधार लेते हैं और ब्याज सहित लौटाते हैं तो ब्याज उसमें जुड़ जाता है, जो हम रुपए लेते हैं उसमें ब्याज जुड़ जाता है। दोबारा देखो बच्चों, 18,000 रुपए उसने उधार लिए और उसने 5,450 रुपए ब्याज सहित लौटाए, तो जब हम किसी से उधार लेंगे तो उसमें ब्याज को जोड़ देंगे, और फिर
ब्याज को जोड़ने के बाद जो रकम आएगी वो उसको दी जाएगी। तो 18,000 उसने लिए, उसमें से 5,450 रुपये उसका ब्याज है। क्या है? 5,450 रुपये ब्याज है, तो इसको इसमें जोड़ देंगे। तो बच्चों जोड़ का ही सवाल है, आप देखो कैसे जोड़ोगे। जीरो में जीरो जोड़ो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर जीरो में पांच जोड़ो तो पांच आ जाएगा, फिर जीरो में चार जोड़ो तो चार आ जाएंगे, और 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल का 1। ठीक है बच्चों, अब 1 और 1 2 आ जाएंगे, तो ये हो गए 23,450 रुपये कुल उसने उसको दिए, किसको? अनिल ने विजय को दिए। कितने रुपए दिए? 23,450 रुपये। दोबारा देखो, 18,000 रुपये उसने लिए और 5,450 रुपये उसने ब्याज के दिए, तो उसने टोटल कितने रुपए दिए? 23,450 रुपये। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको सवाल समझाए हैं, इसमें यह है ब्याज सहित रुपए लौटाने वाला सवाल। अभी हम किसी से रुपए उधार लेंगे तो उसको ब्याज सहित लौटाएंगे, और ब्याज जो होता है वो ली गई रकम में जुड़ जाता है। तो बच्चों 3 सवाल आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। थैंक यू।